फिर हमारी आंखों में एक बार धूल झोंकी गई है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिसको हम बिल्कुल सिरे से कंडम करते हैं। सरकार ने खत्म नहीं किया, तो 22 जून सुबह अपने 8 बजे से हम जो 48 घंटों के स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और एक टेस्टिंग लेबोरेटरी में कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, इस वक्त हम ठीक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पे जो है आज तमाम कैजुअल लेबर जो भी हैं वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, और सड़कों पर बैठकर ये लोग जो हैं यहाँ पे अपना एहतजाज कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी निकाली गई है कि जिसमें इन लोगों को, ये तमाम कैजुअल लेबर जो पहले से काम कर रहे थे, उनको जो है इम्तहानात देना होगा, और जने की गवर्नमेंट की जानिब से इनको सिर्फ 5 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो है अब सवाल तो ये उठता है कि जो लोग पिछले 20 या 25 सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपने जो भी उनके डिपार्टमेंट थे तो उसमें जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग किस तरह से अब इम्तिहान दे पाएंगे हैं, और कई दिनों से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उन सभी जो भी तमाम कैजुअल लेबर हैं उनके जो है इम्तिहान दिए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से जो है उनको सिर्फ 5 पॉइंट ही दिए जाएंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जो गवर्नमेंट ने ये न्यू पॉलिसी निकाली है कि तमाम जो भी कैजुअल लेबर हैं उनको जो है इम्तिहान देना होगा, और जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ 5 पॉइंट ही उनको लोगों को दिए जाएंगे। तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कहां तक ये है, किस हद तक ये फैसला जो है सही है। जी तनवीर जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तनवीर जी, क्या क्या समझते हैं आपके जो गवर्नमेंट द्वारा ये फैसला लिया गया है, क्योंकि तमाम हमें भी ये बात मालूम है कि काफ़ी सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनको 20-25 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, चाहे बिजली की हो या पानी की हो, जो भी तमाम कैजुअल लेबर हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट का ये फैसला लेना किस हद तक सही है? देखिए सर, हमें ये समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर में जब एक 25 साल के बाद एक उम्मीद हमें बनी थी कि नई रिक्रूटमेंट आई है, शायद हमको अलग से डिफरेंट कोटा दिया जाएगा, लेकिन फिर हमारी आंखों में एक बार धूल झोंकी गई है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिसको हम बिल्कुल सिरे से कंडम करते हैं। और मैं आपके लाजवाल चैनल से मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर डिलीवर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हर एक साथी तक पहुँचाएं, क्योंकि एक ऐसा चैनल है कि जो दूर दूर तक भी इसको चैनल को लोग देखते हैं। तो उनको यही अपील है कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने हमारे मसले हल नहीं किए, चाहे वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी का अलग से कोटा हो, या हमारी मिनिमम वेज एक्ट की बात हो, या हमारे 12 वोट्स का जो इशू है और उसको सरकार ने ख़त्म नहीं किया, तो 22 जून सुबह अपने 8 बजे से हम जो 48 घंटों के स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की वार्न करते हैं कि हमसे उससे पहले बात कीजिए और इस मसले को हल कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया, अगर जम्मू कश्मीर की जनता को इस COVID-19 चलते कोई परेशानी आती है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी तनवीर जी, जैसे कि कुछ लोग, मतलब काफ़ी सारे बुजुर्ग भी हो गए जो कैजुअल लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा फैसला लेना जाने की एक गले में छुरी मारने जैसे बराबर है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात की कि जिनको अभी सर 45 या 50 ईयर्स हो गए, उसे 25-25 साल अपने कीमती सर्विस जो डिपार्टमेंट के अंदर दी है, आज जब उम्मीद बड़ी थी, आज उनको ये कहा जाएगा आपको रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे, तो ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और इसको जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की आज डिफरेंट लीडरशिप जो यहाँ पे बैठी है आज, और जिनने फैसला किया है यूनिवर्सली जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से, कश्मीर में भी हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है आज, और वहाँ पर भी एक मेमोरेंडम होगा। और अगर सरकार ने हमारे इन मसलों को हल नहीं किया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी अलग से नहीं आती है, हमारा मिनिमम वेज लागू नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, और जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। वीर जी, अगर कुछ गवर्नमेंट जो अफसर हैं उनकी बात करें, तो उनका ये बड़ी खुशी से वो ये बात कहते हैं कि हमने उनको 5 पॉइंट दिए, तो क्या लगता है कि इससे आपको फ़ायदा है क्या, नुकसान है, जो इतनी खुशी से वो लोग कह रहे हैं? देखिए सर, अगर वो कुछ इतने ज़्यादा खुशी से बात करते हैं, तो मैं आपसे लाजवाल से बुलाना चाहता हूँ कि वो डिबेट के लिए आ जाएँ, मैं तैयार हूँ। ये खाली एक जो है एक धूल झोंकने की बात की जा रही है, और 25 साल में सिर्फ 5 पॉइंट, हाँ अगर वो ये भी कहते कि 1 साल के 5 पॉइंट दे दिए जाते हैं, फिर भी हम मानते, लेकिन हमारी सर्विस को उन्होंने जो है सर्विस लाइफ को जो है ख़त्म कर दिया है, हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसके लिए अब जो है अब ऐसे के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जो कि आज देख रहे हैं आज ड्यूकॉम के बाहर हम अपने धरने लगाने के लिए तमाम लीडरशिप जो यहाँ पर बैठी है। जी तनवीर जी, आखिर में ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमने कई बार जो है आपकी खबरें भी आला इंतजामिया जो बैठी हैं ऊपर उन तक पहुँचाई,
हैं, फिर भी उसके ऊपर क्यों नहीं गौर फिक्र की जा रही, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ये मांग जो है लेकर यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी अब तक कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही है। देखिए सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बार बार सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन सरकार नए से नए ऑर्डर और एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी में कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को बनाया गया है और हमारे जो प्रतिभा है उसको ललकारने की कोशिश जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, और जो जम्मू कश्मीर को बहुत महंगा पड़ेगा और आगे आने वाला वक्त जो होगा अब बहुत खतरनाक होगा, और जम्मू कश्मीर के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी अब उसको एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए तमाम दलीज तैयार रहे, जो हम अपने स्ट्राइक दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जम्मू कश्मीर सरकार को एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे दम पर चलते हैं, और उसका ट्रेलर जो है वो 22 जून सुबह 8:42 के शुरू हो रहा है, और उस दौरान आज जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी कोई आएगी उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। वीर जी, जो मतलब जो लोग काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, यानी कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज पर्सन हो गए, तो अब अगर सरकार द्वारा अगर उनके इम्तिहान लिए भी जाते हैं तो किस तरह से वो दे पाएँ, क्या देखिए हम तो सिरे से कंटा, हम तो हमारा साथ को एग्जाम नहीं देगा ना ही कोई फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि सिर्फ ये धूल झोंकने वाली बात है। हम इस पर कोर्ट के रास्ता भी देख रहे हैं, कोर्ट से भी हमारे एडवोकेट फेडरेशन से हमारी कंटिन्यू बात चल रही है, तो हम कोर्ट में भी इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, और साथ ही साथ सड़कों पर जो लड़ाई है वो भी लड़ रहे हैं, और जब तक जम्मू कश्मीर के 64,000 डेजवेज को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी संगठन जो है जम्मू कश्मीर में ऐसी लड़ाई लड़ता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे तनवीर जी हमारे साथ, जिन्होंने तफसील से बातचीत की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो ये लोग जो है इनका ये एहतजाज जो है वो रूप धारण कर लेगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो केवल जम्मू कश्मीर इंतजामिया की होगी। और अफसोस तो इस बात का है कि किस तरह से ये लोग जो हैं अब जो गवर्नमेंट द्वारा ये फैसला लिया गया है इसको कैसे किस तरह से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको इस कैजुअल लेबर के तौर पर काफ़ी वक्त हो गया ड्यूटी निभाते हो, और ईमानदारी से वो लोग दिन रात एक करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी ओर कोई भी तवज्जा नहीं दे रही है, और आए दिन कहीं ना कहीं अलग अलग मुसीबतें जो है इन लोगों के लिए खड़ी करती जा रही है। तो नाज़रीन, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो भी इन लोगों के तमाम मुतालबात हैं उन पर सरकार कोई गौर फिक्र करेगी, और ये फैसला जो लिया है तो जो भी इनका डिमांड है कि इस फैसले को वापस लिया जाए तो सरकार इस पर कोई अमल करेगी। तो इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।